एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। प्रीत तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आपको मिलेगी बहुत सारी सेल्फ हेयर स्टाइल की वीडियोज और बहुत ही इजी एंड स्टाइलिश होंगे जो कि आप खुद से बना सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियोज़ चेकआउट कीजिएगा सारे। और कल मैंने अपलोड किया था बहुत ही हल्के पतले बहुत ज़्यादा कर्ली बालों के लिए हेयर स्टाइल। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग कर रखी थी। आपने ऑयलिंग कर रखा है तो भी वो हेयर स्टाइल आप पे सूटेबल रहेगा, और आपने ऑयलिंग नहीं किया, हेयर वॉश कर रखा है तो भी आपके तो सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज का हेयर स्टाइल है नवरात्रि स्पेशल हेयर स्टाइल है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। मीडियम लेंथ हेयर के लिए है, जैसे मेरे हेयर हैं अभी मीडियम लेंथ, तो इन हेयर के लिए है। मैं बीच मांग से ही ट्राई कर बनाऊंगी हेयर स्टाइल। आपको जो अच्छा लगे आप साइड मांग से भी सेम हेयर स्टाइल बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिप्स ले लेती हूँ क्योंकि क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और यहाँ से आपको थोड़े से क्राउन एरिया से हेयर लेने हैं इस तरीके से। क्राउन एरिया से हेयर को ले लेना है एंड सिंपली अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद से हल्का सा बालों को बैक साइड से ट्विस्ट करना है एंड आगे की तरफ पुल करना है ताकि एक पफ का लुक मिल जाए हमको इस तरीके से। ज़्यादा हाई पफ का भी नहीं चल रहा है, बट हल्का फुल्का पफ अच्छा लगे आपके फेस पे इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो मैं इसको बॉबी क्लिप से सेट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से पफ बना लिया। जहाँ पे भी पफ आपका लगे कि फ्लैट हो रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से खींच सकते हो कॉम की मदद से। ओके, तो ये हमारा पफ बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपका पफ नहीं बन पाता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बहुत सारी अपलोड की हुई है। जैसे बीच से मांग फट जाता है, बहुत पतले हल्के बाल हैं, तो पतले हल्के बालों पर फ्रंट हेयर स्टाइल भी अपलोड किया हुआ है, और पफ नहीं बन पाता है उसको बनाने के लिए बहुत सारी वीडियोज अपलोड किए हैं जो कि बहुत ही ईजी तरीके से आप अपना पफ क्रिएट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा पफ बना लिया है। उसके बाद से सिंपली यहाँ से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेना है, देन ट्विस्ट करने एकदम पतला पतला लीजिएगा तभी लुक अच्छा आएगा हेयर स्टाइल का। इस तरीके से ट्विस्ट करते जाइए। बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा सेक्शन मत लीजिएगा, पतला पतला लेना है। देन इसको हल्का हल्का हाथ से एकदम थोड़ा थोड़ा सेक्शन पकड़ के इस तरीके से खींच लीजिएगा ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छे से दिखे। ओके, बैक तक इस तरीके से करते हुए जाएंगे। ओके, और जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया था वहीं पे इसको भी ले जाके सिक्योर कर देंगे। ओके, फ्रंट से मैं ऐसे ही रख रही हूँ, आप चाहो तो इसको भी ट्विस्टिंग कर सकते हो। तो मैं भी ट्विस्टिंग कर ही लेती हूँ। इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद एकदम पतला पतला सा सेक्शन लेके खींच लेना है। ओके, लेयर्स मैं निकालती हूँ अपने फेस के लिए, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपका फेस बहुत छोटा है तो आप मत निकालिएगा। अगर यार लॉन्ग भी फेस है तो भी आप मत निकालिएगा क्योंकि लंबे फेस पे लेयर्स अच्छी नहीं लगती हैं। अब इसको भी बैक साइड में ले जाके उसी क्लिप के अंदर इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। छोटा छोटा बालों का सेक्शन लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। जितना पतला ले पाओगे उतना पतला लीजिएगा और जैसे कि हेयर स्टाइल अच्छा दिखे। और इस तरीके से खींच लीजिएगा। ओके, बैक तक इसी तरीके से बनाते हुए जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया था वहीं पे इसको भी ले जाके सिक्योर कर लेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरा वाला सेक्शन भी बनाना है।
लेयर ऑप्शनल है। उसी क्लिप में इसको भी सिक्योर करेंगे। ओके, इसके बाद से आपको अपने बालों की एक पोनी बना लेनी है। बहुत ही अच्छा है ये वाला हेयर स्टाइल, आप साड़ी पहन रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अगर साड़ी पहन रहे हो तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद से मैं एक पोनी बना ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी ये जो लेयर है ये बिगड़ रहे हैं, तो इसको मैं इस तरीके से ट्विस्ट करके, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखा कीजिए कि कहीं से बीच में से हेयर निकल जाता है, फिर आप इस तरीके से क्लिप लगा के उसको सिक्योर कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, अपने बालों का हाफ पार्टीशन लेना है, एक डोनेट बन लेना है, जस्ट यहाँ पर रख के डोनेट बन को सिक्योर कर देंगे। ओके, बालों का हाफ पार्टीशन लेंगे। अच्छे से कॉम कर लेंगे इसको। कॉम करके अच्छे से इसको फैला देंगे डोनेट के चारों तरफ, ताकि हमारा जो डोनेट है वो अच्छे से हाइड हो जाए। उसके बाद से यहाँ पे एक रबड़ लगा लेंगे, पतला चौड़ा आपकी चॉइस है, बस रबड़ अच्छे से हाइड हो जानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हो तो रबड़ को अच्छे से हाइड कर लेना है। ओके, इसको अच्छे से अंदर की तरफ इन करेंगे और डोनेट बन के ऊपर लगाते हुए, डोनेट बन को हाइड करते हुए एक यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, उसके बाद से जो आपका हेयर बचा हुआ है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको सिंपल चोटी जैसे हम बनाते हैं, चोटी बना लेंगे। ओके, जब आपने ये चोटी कंप्लीट कर ली है तो आपको दूसरी साइड से, जिधर से आपने बनाई है उधर से नहीं, उसके दूसरी साइड से इस तरीके से लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से इसको सिक्योर करेंगे। ओके, इस तरीके से। और सेम इधर वाला भी जो आपका लेयर है इसको भी सिंपल चोटी बनाएंगे। पूरी चोटी बनाने के बाद से ओके, इसको भी दूसरी साइड से लेके जाएंगे। ये हमने इस तरीके क्रॉस इसलिए किया है ताकि जो हमारा रबर बैंड है वो अच्छे से हाइड हो जाए। अब इसको दूसरी साइड में यू पिन से सिक्योर करेंगे और हमारा यहाँ पे बन बन के रेडी हो गया है दुर्गा पूजा के। के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड इजी सा स्टाइलिश सा बन आपका बन के रेडी हो जाएगा, हो गया है। तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा और इसके